नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी के बारे में। देखिए, जो रतन टाटा हैं उनके पास मुकेश अंबानी जी से ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन तब भी वो भारत के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है, एक तो मैं ये आपको बताऊँगा। दूसरी बात, मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा, इन दोनों लोगों ने एक एक ऐसा बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए जो कोई नहीं कर सकता, वो काम भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। देश को आगे बढ़ाना है, मिलकर हमें सबको बढ़ाना है। वेलकम इन मनीलैंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे मुकेश अंबानी जी के बारे में। देखिए, जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी कुल संपत्ति इस वक्त 3,36,000 करोड़ रुपए है और इनकी जो कंपनी है रिलायंस, उसका 55% शेयर इस वक्त इनकी फैमिली के पास है, जिसमें मुकेश अंबानी जी, इनकी वाइफ नीता अंबानी जी और इनके बच्चे आते हैं। और मुकेश अंबानी जी जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो लग्जूरियस जीना पसंद करते हैं, जो क्योंकि मुकेश अंबानी की जी के पास में आपको पता भी होगा दुनिया का सबसे महंगा इंडिविजुअल घर है जो मुकेश अंबानी जी का है, जिसकी कीमत इस वक्त 10,000 करोड़ रुपये है, आपको पता हो अगर तो। ये तो थी मुकेश अंबानी जी की लाइफ। अब बात करते हैं दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो रतन टाटा जी हैं वो टाटा कंपनी के मालिक हैं और इसके साथ ही 96 कंपनियां और हैं इनके पास। और अगर इनकी लाइफ की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो रतन टाटा जी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, बल्कि इनकी जो अभी टाटा की नई गाड़ी आई थी 10 लाख रुपये की गाड़ी, वो ये इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए आजकल, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंसान है, बिल्कुल सादी ज़िंदगी जीना ये पसंद करते हैं। इनकी कुल संपत्ति है 5,00,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, कमाल की बात ये है कि रतन टाटा जी ने आज तक शादी भी नहीं की है। रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में अभी बताया था कि वो 4 बार लव में पड़े थे, लेकिन वहाँ वो शादी नहीं कर पाए। अब बात करते हैं दोस्तों एक बड़े काम की जो कि रतन टाटा जी ने किया है, और क्यों रतन टाटा जी मुकेश अंबानी जी से ज़्यादा अमीर नहीं है और दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर नहीं है, हो सकते थे लेकिन नहीं है। इसका बड़ा कारण है दोस्तों चैरिटी। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपनी आधी संपत्ति चैरिटी में दी हुई है। इनका जो अपना ट्रस्ट है उसे इन्होंने 66% अपने शेयर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो 5,00,000 करोड़ रुपए हैं उसमें से 2,80,000 करोड़ रुपए इन्होंने देश की मदद के लिए, समझ लीजिए, दान कर दिए हैं। इसी कारण दोस्तों ये दुनिया अपने भारत के सबसे अमीर आदमी नहीं है और दुनिया में 5वें नंबर पर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा जी द्वारा किए गए एक एक बड़े काम की तरफ से। देखिए, रतन टाटा जी ने तो अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति ही चैरिटी में दे दी देश के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ दोस्तों एक तो। और दूसरा, जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने जियो का इतना सस्ता इंटरनेट लाकर देश के लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों। पहले अगर आपको याद हो कि 1 GB इंटरनेट लगभग 250 रुपये के करीब मिला करता था, और वो भी 1 महीने के लिए, और जो जियो ने किया है दोस्तों, जियो ने 150 रुपये में आपको हर दिन 1.5 GB इंटरनेट दिया है 30 दिन तक। ये बहुत ही बड़ा काम है दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और हमारे YouTube चैनल मनीलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, भगवान ऐसे अमीर आदमी हमारे देश को और भी दे। मेरा देश मेरी जान, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।